लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम साईनाथाय नमः। अपनों को तो सभी अपना लेते हैं, पर हमारे साई बाबा परायों को अपनाने में देर नहीं करते। पश्चाताप के आंखों से निकला हुआ एक भी आंसू को पोंछने के लिए यह शिरडी का फकीर कितनी लंबी यात्रा करने को तैयार रहता है, इसका हमें कतई ही एहसास नहीं। तो चलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश के अविनाश पालीवाल और साईं भक्त अर्चना की जिंदगी के एहसास को समझने। अभी उठो बाबा, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अभी क्या है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपको छोड़ के कौन कम वक्त ऑफिस जाना चाहता है? अच्छा अर्चना एक बात बताओ, ये सूरज देवता का कोई घर बार नहीं है क्या? रोज सवेरे हमें उठाने चले आते। अरे कभी कभी आप भी छुट्टी ले लिया कीजिए। अच्छा अभी सुनो, शाम को जल्दी घर आ जाना, हमें रीटा के घर जाना है, उसकी आज पहली एनिवर्सरी है। जब मैं घर से जाऊंगा तब तो आने की बात करूंगा ना। ठीक है, वैसे तुम्हारी बॉस भारती जी ने अब तक घड़ी की सुई देखना शुरू कर दिया होगा। कितना बजा है? 9:30। अरे भगवान, आज फिर लाल निशान लगेगा और फिर मेरी आधे घंटे क्लास होगी। भारती जी मैं आया। अर्चना। हाँ? मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। भाई ये आवाज कहाँ से आई, जरा हम भी तो देखें। जाओ। जाओ साथ में। जाओ जाओ। भारती जी से कम आधे घंटे का लेक्चर सुनना पड़ेगा। भाई आपके लिए तो पूरी जिंदगी का लेक्चर सुन सकते हैं। अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। ओके जल्दी आऊंगा शाम। बाय बाय। फिर अभी सलीम भाई के साथ शराब पीने चले गए। रीटा क्या सोचेगी मेरे बारे में? एक ही शहर में रहकर हम उसकी पहली एनिवर्सरी पर उसके घर नहीं जा पाए। साईं भाई, अब आप ही अविनाश को इस गलत सोहबत से दूर कीजिए और मेरे घर की खुशियों को लौटा दीजिए बाबा। अल्लाह मालिक।
सॉरी बेबी, मैं बिल्कुल भूल गया था, जैसी याद आया मैं चला आया। चलो चलते हैं। एक बार माफ कर दो प्लीज। क्या सोचेगी वो, मेरी सबसे प्यारी सहेली है। तो चलो चलते हैं ना। हमें पार्टी में जाना था, बर्तन साफ करने नहीं। बेबी अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, चलो। पार्टी 7 बजे की थी। अच्छा ठीक है, कल उसके घर चलेंगे, उसे माफी मांग लेंगे। अब तो एक बार मुस्कुरा दो प्लीज। चल के अच्छे से खाना खा के आते हैं। अविनाश भैया, ओ अविनाश भैया, अभी तुम्हें मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। बेबी वो सलीम भाई है, मैं भी उनको जाकर चलता करके आता। नहीं अभी, मैं जानती हूँ कि तुम सलीम भाई के साथ जाकर बाहर शराब पियोगे, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बेबी मैं बस अभी यूं गया और यूं आया। नहीं अभी तुम नहीं जाओगे। बेबी जाने दो ना प्लीज। अभी प्लीज मत जाओ। बात कर दिया, एक अजीब सी हैवानियत छा जाती मुझे, लेकिन मैं इस शराब की लत को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हमेशा के लिए चौबा चाहता तुम शराब को छोड़ दोगे, तुम्हें अपना दिल पक्का करना होगा, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अभी शराब को लेकर मेरा जुनून बढ़ता गया। अर्चना की बात सच निकली, मैं शराब की लत को नहीं छोड़ पाया। मेरा नशा, मेरे नशे ने मेरे हाथों को बेकाबू कर दिया था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था और घर का सारा कीमती सामान मैंने अपनी लत में उड़ा दिया था। और उस रात
उस रात मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अस्सलामुअलैकुम सलीम भाई। अरे बेटा कैसे हो? आपकी दुआएं, अब्बू ने आपके 5000 रुपए वापस भेजे। अच्छा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अरे मैं तो इधर ही था। अच्छा अच्छा, जाओ बेटा जाओ, अब्बू बोलना कल मैं मिलूं। अरे ये भिखारी कहां से आ गया? जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। सलीम भाई सलाम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा वो आप मिल गए, मुझे आप ही की ज़रूरत थी। आज की शाम आपके नाम? आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। मैं आपकी शाम कैसे गुजार करूँ? मैं तो खुद एक एक पैसे कम। सलाम सलाम। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। साईं बाबा, मैंने तो सुना है कि कोई एक बार अपनी जुबान से आपका नाम ले ले तो आप उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो फिर आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या गलती हुई है बाबा? मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, पर शराब ने उसे पागल कर दिया। उसकी ये गंदी लत छुड़वा दो बाबा, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। Thank you.
मैं सौगंध खाता हूं बाबा, मैं शराब की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाऊंगा बाबा, शराब की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी कभी उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी अर्चना मुझे लौटा दो, मेरी अर्चना मुझे लौटा दो, आपको मेरी अर्चना मुझे लौटाना होगा बाबा, आपको मेरी अर्चना लौटाना होगा बाबा। अगर आपने मेरी अर्चना मुझे नहीं लौटाई बाबा, मुझे आपकी सौगंध, मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। जान दे दूंगा बाबा, अपनी जान दे दूंगा। बाबा तेरी पुकार सुनकर मैं ना आता बेटी, तो फिर ये सारे दुख सारे कष्ट मेरे लिए ही क्यों बाबा? पिछले जन्मों में तूने कुछ ऐसे पाप किए थे जिसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ी, पर अब रात का अंधेरा खत्म हो चुका है, तेरी जिंदगी में सुबह का नया सूरज उगने वाला है। अल्लाह मानी। बाबा, बाबा। आज के बाद शराब की एक बूंद भी नहीं लूंगा। आज के बाद कभी भी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। माफ कर दे मुझे, आपको बाबा ने अपनी भक्त अर्चना को जीवन दान ही नहीं दिया बल्कि अविनाश को एक सच्ची राह दिखा दी।
आज इस वाकया को 9 साल हो चुके हैं और अविनाश ने शराब को हाथ नहीं लगाया। अर्चना और अविनाश दोनों की जिंदगी आज खुशहाल है।